आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जो है विद्यालय में बच्चों से बातचीत के विश्लेषण के बारे में जानेंगे। यह जो होता है आपको ACP 1 में जो होता है एक फाइल बनाना होता है, जिसके एवज में जो होता है आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस फाइल को जो है विद्यालय में बच्चों से बातचीत के विश्लेषण का जिक्र आप कैसे करेंगे और साथ ही साथ इस फाइल को कैसे बनाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें जो है मिस्टर आलोक अनंत के द्वारा जो है एक फाइल बनाया गया हुआ है, उसको डेमो के तौर पर आपको दिखाने वाला हूं। आप उस तरह से जो है बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण का अर्थ क्या होता है। तो आपको जो होता है ACP 1 में जो होता है 20 मार्क्स इसके मिलते हैं। यह इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे को जो है आप हमेशा पढ़ाते हैं तो उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए जो है कभी कभी उससे संवाद भी होना जरूरी है, ताकि जो कक्षा कक्ष में जो शिक्षण विधि हो वो अच्छे से चल पाए। बच्चों को केवल पढ़ाएंगे ही तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए जो है बच्चों से बातचीत करना भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बच्चों से बातचीत विश्लेषण में जो होता है शिक्षण को छोड़कर किसी अन्य टॉपिक के ऊपर जो है आपको चर्चा करना है। टॉपिक में मैं बताऊँगा कि किस किस टॉपिक पर जो है आप बात कर सकते हैं। आपको जो है शिक्षा से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात नहीं करनी है, घूमने के ऊपर बात करनी है, खेल के ऊपर बात करनी है, क्या उसको मन में आता है उसके ऊपर बात करना है, मेला घूमने के ऊपर बात करना है, चिड़ियाघर घुमाने के ऊपर बात करना है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है कक्षा में जो है आपको संवाद करना है, ताकि बच्चों के अंदर जो है उत्साह की भावना उत्पन्न हो, साथ ही साथ जो माहौल हो अच्छा बन पाए। तो आप किस वे में करेंगे, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि फिगर भी आपको दिख रहा होगा इस पर कि एक बच्चे के द्वारा उसे पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग कर ये दिखाया गया हुआ है। इस बच्चे को जो है गाना गाने में पसंद है तो ये बच्चा गाना गा रहा है। यहाँ पर और सारे बच्चे हैं जो कि बातचीत के दौरान जो है बच्चे से बैठा कर जो है किया गया है। अपने मतलब बच्चा जो चाहता है उसके ऊपर बात करें, ये नहीं कि केवल अपने ऊपर बात करना है, ऐसा नहीं करना है। बच्चे के मतलब मन में क्या चल रहा है वही बात करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। तो चलते हैं फाइल को दिखाते हैं किस तरह से बना हुआ फाइल है। तो फर्स्ट पेज आपको इसी तरह लिख देना है, नेम क्रमांक रोल नंबर लिख देंगे, यह लिख देंगे विद्यालय का कि विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण, अपना डायट का नाम लिख लेंगे। ऊपर जो है नीचे आएंगे अब, तब जहाँ पर देखेंगे कि विद्यालय में बच्चों से बातचीत के विश्लेषण को लिखा गया है। तो यहाँ देखिए लिखा गया है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के दौरान मैंने बहुत सारे बच्चों से बातचीत की, लेकिन कुछ उसमें से बहुत अलग थे। हम बच्चों से बातचीत विश्लेषण में वैसे ही कुछ बालक की चर्चा करेंगे जो निम्न है। मतलब इन्होंने जो है तोड़ तोड़ कर चर्चा किया है, चाहेंगे तो आप सामुदायिक जो होता है एक समूह में बैठा कर भी चर्चा कर सकते हैं। इन्होंने जो है बात किया है कि मैंने जो है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के दौरान जो है बहुत सारे बच्चों से बातचीत किया, समुदाय में भी किया, इकलौता भी किया, मतलब एक एक में किया। तो इस तरह से बच्चों के मैंने कुछ निम्न बच्चों का जो है उदाहरण यहाँ दिया है, उसी के ऊपर जो है विश्लेषण किया गया है। जैसे कि फर्स्ट में देखें, यहाँ पर देखें फर्स्ट में है नाम लिखा हुआ है उस बच्चे का, उसके पिता का नाम, माता का नाम और पता भी लिखा हुआ है। इस बच्चे का यहाँ एक फोटो भी लगा हुआ है ताकि इस बच्चे को पहचाना में आ जाए। जैसे देखिए कल्लू कुमार वर्ग 6 लिखा हुआ है, इसके बारे में देखिए क्या लिखा गया है, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। आपको जो है इसमें लिखना है, एक लाइन में पढ़ दूँ, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के दौरान कुछ बच्चे हम लोगों से बात नहीं कर रहे थे लेकिन वे डर रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे बात करना चाहते थे, उसमें से एक विद्यार्थी भी था जो मुझे बात किया, मैंने उसके बारे में बताया। ऐसा होता है जब आप विद्यालय में जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं नहीं भी करना चाहते। इस बच्चे को आप देखें, ये डिसेबल बच्चा है और इसके हुनर को जो है काफ़ी एक तराशा गया है, काफ़ी एक बेहतरीन पहलू है। देखिए इसके तो ये डिसेबल बच्चा है तो इसके बारे में जो है बातचीत किया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इस बच्चा को जो है दूर की चीज़ें जो होती है नहीं दिखाई देती है, पास की चीज़ें जो होती है आँख के नज़दीक लाने पर जो है दिखाई देता है। यह बच्चा का नाम कल्लू है, वर्ग क्लास 6 में पढ़ता है। इसके बातचीत के दौरान यह पता चला कि ये बच्चा डिसेबल है और इसके जो है दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है और नज़दीक की चीज़ें जो होती है बड़ी नज़दीक लाने पर जो है उसे दिखाई देती है। प्रत्येक दिन विद्यालय आता है, इसके अंदर जो है ललक है पढ़ने के लिए, यह प्रत्येक दिन विद्यालय आता है और जो बच्चे ऐसे बच्चे हैं उनको इस बच्चे से जो है प्रेरणा लेना चाहिए कि इस बच्चे जब यह कर सकता है तो आखिर वो बच्चे क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए जो है जो भी माता पिता अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को किसी हालत में भी जो है विद्यालय भेजे। विद्यालय जो है बच्चे के भावी जीवन के निर्माण में जो है काफ़ी बड़ा योगदान निभाता है, जो कि उसके जीवन में जो है आगे चलकर वो बड़े कुछ कर सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है, पिता के आँख प्रति संवेदनशील थे, उन्होंने इसे दिल्ली में ले गए। देखिए इसके बारे में भी लिखा गया कि इसके आँखों को दिखाने के लिए जो इसके पिता जो है दिल्ली ले गए, आँख सही करवाने के ठीक नहीं हुआ, वहाँ पर कल्लू 6 महीने रहा, दिल्ली एम्स में गया था, ये 6 महीने रहा। उसने बताया कि सर हमने 6 महीने में बहुत जगह घूमा जिससे लाल किला इंडिया गेट शामिल है। मतलब वो जब आँख दिखाने गया तो वहाँ पर जो है दिल्ली में जो है ये लाल किला इंडिया गेट के बारे में भी देखा। उसके बारे में जो है डॉक्टर आप जिक्र कर सकते हैं, ये सभी जगह
फोटो भी खिंचवाई। ये बच्चा बोल रहा है कि सभी जगह मैंने फोटो भी खिंचाई और साथ नहीं होने के कारण जो है वापस घर आ गए, मतलब आँख सही नहीं हुआ तो ये जो है एम्स से वापस घर आ गया। इसके पिता के बारे में लिखा गया है कि डॉक्टर अंजलि के पास ले गए, हाजीपुर की एक जगह है, उस डॉक्टर के इलाज से यह पता चला कि नज़दीकिया की चीज़ें दिखाई दे पाता है परंतु नहीं दिखा पाता है। कल्लू ट्यूशन भी पढ़ता है, ये बच्चा जो है ट्यूशन भी पढ़ता है, पढ़ने में भी जो है बहुत अच्छा है, ये टीवी भी देखता है, थोड़ा नज़दीक जाकर टीवी के पैसा भी गिन लेता है, अंधेरे में भी चल सकता है, कभी टकराता नहीं। ये सब बातें उसने बताया, मतलब अपनी बारे में ये बता रहा है कि मेरी आँख मतलब थोड़ी कमज़ोर है, दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी मतलब हमें देख सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। इसीलिए देखिए इसके बारे में यहाँ पर और सारी बातें लिखी गई है और लास्ट में एक पॉइंट लिखा है, कल्लू उसकी हौसला अफजाई किया, मतलब कल्लू के जो है उसकी हौसला के जो है अफजाई किया, मतलब हौसला अफजाई किया ताकि वो आगे भी कर सके। तो ये सब बातें जो है इसे लिखनी चाहिए ऐसे। कल्लू दो भाई और तीन बहन है, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, उसके विश्लेषण जो आप करें, अगर सिंगल कर रहे हैं तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, अगर ग्रुप में कर रहे हैं तो ग्रुप की चर्चा होगी, तो जहां सभी बच्चे का जो है आप नाम लिखकर उसके बारे में किसी एक टॉपिक के, ग्रुप में करने का मतलब कि वहाँ पर जैसे मेला घूमने गए, चिड़ियाघर घूमने गए, इस तरह की गतिविधि जब मतलब हो रही है तब जो पर जो है ग्रुप की जिक्र करेंगे। ग्रुप वाले जो है मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप ढूंढेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जिसमें जो है मैं चिड़ियाघर के ऊपर जो है बात कही गई है, मेला के ऊपर भी जो है बात कही गई है, तो उससे भी आप देखकर बना सकते हैं। तो इसके बारे में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट आ गया सेकंड बच्चे से, इन्हें बात किया, सिंगल बात किया गया, ये भी ठीक है, लेकिन आपको ग्रुपिंग भी बात करना होता है, ग्रुप भी लगाएंगे सिंगल भी लगाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए नाम लिखा हुआ ठीक उसी पैटर्न पर आपको लिखना है, ये सब लिखना है। एसीपी के दौरान देखा मौका मिला बच्चा, हम मतलब बहुत खुश थे। तो इसके बारे में लिखा है, ये बच्चा जो होता है इसके मेन क्या है, ज़बरदस्ती हमने गाना सुनाया, मतलब ये बच्चा चाहता था कि सर हमसे बात करे, ये लड़का बहुत अच्छा गाना गा रहा था, हमें गाना अच्छा लगा तो मैंने इसके गाने को जो है अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया, इससे मुझे तीन चार गाने सुनाए। ये जिस तरह से जो गतिविधि हो इसके बारे में लिखना है, ये बच्चा जो है ज़बरदस्ती बात करना चाहता था, ये सर ने इससे बात नहीं किया, ये बच्चा चाहता था कि हम सर से बात करें, तो ये गाना गाने में एक्सपर्ट था, ये गाना भी गाया, इसके फ़ोन में रिकॉर्ड भी किया सर ने। तो इस तरह से बातें को आप लिख सकते हैं, मोटिवेशन भी किया साथ साथ जो है अच्छा लगा मतलब ये सुनकर। अब देखिए थर्ड में आप देखिए ये देखिए यहाँ पर आ गया सामुदायिक बातचीत, ये बच्चा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब हर बातों को जिक्र किया है, तो काफ़ी एक सराहनीय काम है मिस्टर अलोक कनंद के द्वारा। देखिए वर्क फोर में सामूहिक बातचीत, मैंने बोला ना कि आपको सिंगल भी बात कर सकते हैं और सामूहिक भी बात कर सकते हैं, तो इसमें देखिए सामूहिक बातचीत के दौरान बच्चे में जो है काफ़ी खुश नजर आ रहे थे, सभी बच्चे जहाँ तहाँ घूमे थे उसके बारे में याद आ रहे थे और हमने साझा किया, मतलब देखिए सामूहिक बात में जो होता है बच्चे के मन में वो जहाँ घूमे हैं जहाँ गए हैं वैसी बातों को जो है निकाल कर जानना चाहिए, क्योंकि जब कक्षा कक्ष में केवल पढ़ाएंगे तो बच्चे बोरिंग हो जाते हैं, इसीलिए जो है बच्चों से बातचीत भी करना जरूरी है। देखते होंगे कोई कोई टीचर जो है पढ़ाने के दौरान बच्चों से बातचीत भी करते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन जो है अच्छा बना रहे, पढ़ाने में जो है मन लगे और बच्चों को भी मन लगे, इसलिए जो है ये सब चीज़ें करनी चाहिए। जैसे देखिए अब यहाँ पर सामूहिक बात होगी तो सारे बच्चे का यहाँ पर एक फोटो दिया गया हुआ है और जो जो बच्चे जो बोलेंगे उसके बारे में लिखेंगे, जैसे सलोनी कुमारी ने कुछ बोला है उसके बारे में लिखा गया है। फिर आगे देख लेते हैं, प्रियंका कुमारी ने कुछ बोला है, सामूहिक बातचीत हो रही है तो इसके बारे में इन्होंने लिखा है, तो इस तरह से जो है आपको फाइल बनाना है। देव कुमार भी बोल रहे हैं तो इनके बारे में भी लिखा गया है, उसके नाम रोल नंबर भी आप लिखेंगे। फिर नीचे यहाँ पर देखिए फोर नंबर आ गई एक और, ये नाम है चिंकू सिंह, इनका वीरेंद्र सिंह पिता का नाम है, मतलब इनके मम्मी का नाम है, और यहाँ पर देखिए ये सब लिखा हुआ है, रोल नंबर भी लिखा हुआ है। ये बच्चों से इसके बारे में जो है यह खूबी है कि उसने बताया, सर मैं बिहार के प्रसिद्ध जगह राजगीर घूमने गई थी जो नालंदा जिले में है, पूरे परिवार के साथ गई थी, ये लिखी है, इसके फोटो भी यहाँ पर लगा हुआ है, ये फिगर बनाने में भी जो है एक्सपर्ट है, अच्छे अच्छे फिगर भी बना रही थी, तो यह जो है इसकी विशेषता है। तो इस तरह से जो है बच्चों के मन में क्या चल रहा है उसके बारे में आप लिखेंगे, फोटो लगाएंगे तो काफ़ी बेहतरीन लगता है। तो इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया हुआ है कहाँ घूमने गई। फिर आ गया यहाँ पर लंच के बाद बच्चे घर भाग जाते थे तो इसके लिए जो है क्या किया गया था, ये भी देखें फोटो लगा हुआ है वर्क थ्री के बच्चे का, इसके बारे में भी जो है जिक्र किया गया है। दीपावली के ऊपर जो है टॉपिक ली गई है, उसको चुना गया था और बात किया गया था, दीपावली के ऊपर बच्चे को अच्छा लगता है, पटाखे जलाते हैं, से खाते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं, तो इसलिए नए वस्त्र पहनते, इसके ऊपर जो है बात कही गई है, मतलब हर क्लास में इन्होंने जो है चर्चा किया, आप किसी एक क्लास में भी ले सकते हैं, बहुत सारे बच्चों के ऊपर भी जो है चर्चा कर सकते हैं, बच्चों को अभिरुचि एवं तैयारी, मतलब कि दीपावली की तैयारी कैसे करें। फिर आ गया बच्चों का उतावलापन होता है किसी भी फेस्टिवल में घूमने के लिए जाने के लिए। फिर दीपावली के लिए साफ सफाई, ये देखिए दीपावली के ऊपर यहाँ पर बातचीत चल रही है, तो इस तरह से जो है लिख सकते हैं, लक्षणात्मक विचार भी लिख सकते हैं कि क्या लक्षण दिख रहे थे, इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं। पढ़ाई पर ध्यान लगाएंगे, झगड़ालू प्रकृति का त्याग करेंगे, माता पिता से परेशान नहीं करेंगे, अंतः मैं अपनी सभी तरह के कामों को जो है पूरा करूंगा, मतलब इस तरह से जो है इन्होंने बताया अपने बारे में।
तो यह जो है सही वे है बच्चों से बातचीत विश्लेषण करने का, और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि मतलब बच्चों में जो है उत्साह की भावना लाए, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बच्चे बोर हो जाते हैं, उनसे बातचीत करेंगे तो बच्चा को जो होता है उत्साह बढ़ता है, उसे अच्छा लगता है, तो इसलिए जो है यह कार्यक्रम किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है आपको ACP 1 के दौरान जो है टोटल आपका 20 नंबर रहता है, जो कि आपको एक अच्छे फाइल बनाकर देंगे, तो आपको मेंटर के द्वारा जो होता है 20 नंबर दिए जाते हैं, जो कि आपका इंटरनल मार्क्स होता है ACP 100 नंबर में। तो यह जो है काफ़ी एक अच्छा मतलब बनाया गया है, तो आपको जो है इस वीडियो में मैं समझा दिया हूँ कि किस तरह से जो है आपको बनाना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।